हेलो दोस्तों, मैं रूबी कुमार, आप देख रहे हैं आरके ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से समीकरण कैसे बनाते हैं इसके बारे में बताएंगे, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन है 2x + 3y = 1, ये फर्स्ट समीकरण है, और सेकेंड है x - y = 1, ये सेकेंड समीकरण है। इसको हम विलोपन विधि से हल करते हैं। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए नीचे वाले x में जो मान है, या y से भी आप कर सकते हैं, तो हम x वाले से कर रहे हैं, तो x में 1 है, तो हम यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में 1 से गुना करेंगे, और समीकरण फर्स्ट में x के पीछे 2 है, तो हम इसमें 2 से गुना करेंगे, ऊपर वाले में गुना करेंगे, तो होगा 2x + 3y = 1, और नीचे वाले में 2 से गुना करना है, तो हो जाएगा 2x - 2y = 2। अब इसको हम समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाएंगे, तो घटाने में चिन्ह बदलता है, तो इसमें प्लस है तो माइनस करेंगे, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस करेंगे, यहाँ भी प्लस है तो माइनस करेंगे, इसको घटाएंगे तो ये कट जाएगा, और ये प्लस प्लस हो गया तो ये जोड़ा जाएगा, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5y, यहाँ पे घटेगा तो हो जाएगा -1, तो y का मान आ जाएगा -1y 5। यहाँ पे y का मान आ गया, हम समीकरण फर्स्ट में y का मान रखेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो y का मान आया है -1y 5, तो समीकरण फर्स्ट में रखते हैं 3 × -1y 5 = 1, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा -3y 5 = 1, इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा +3y 5 + 1, इसको हम बटा के जोड़ करेंगे, इसका लघुत्तम आ जाएगा 5, तो 3, और इसका बटे में 1 है तो 5, यानी कि ये भी 5 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 8/5, यहाँ पे x का मान आ गया 4/5, और y का मान है -1/5, यही हमारा आंसर हो गया, x का मान 4/5 और y का मान -1/5। अब अगला क्वेश्चन है x + y = 3 और 2x + 5y = 12, यानी कि इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने से पहले हमको पहले समीकरण फर्स्ट को ले लेते हैं, तो x + y = 3, y को हम इधर लाएंगे तो हो जाएगा 3 - y, यानी कि समीकरण फर्स्ट में x का मान आ गया 3 - y। अब समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, तो समीकरण सेकेंड है 2x + 5y, तो यहाँ पे हम x का मान रखेंगे 3 - y, ये है 5y, इसको गुना करेंगे तो 3 × 6 - 2y + 5y, यहाँ पे -2y है और यहाँ पे +5y है, यानी कि इसको घटाएंगे तो हो जाएगा +3y, 6 को हम इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस, तो घटाएंगे तो बचेगा 6, और y का मान हो जाएगा 6/3, इसको काटेंगे तो यानी कि y का मान आ गया 2, y का मान 2 आ गया, ऊपर जो हमको यहाँ पे आया है x = -3 - y, तो इसमें हम y का मान डालेंगे, तो x = 3 - y, तो यहाँ पे y का मान आया है 2,
तो घटाएंगे तो वन, यानी कि एक्स इक्वल वन और वाई इक्वल टू। यही हमारा प्रतिस्थापन विधि से इसका आंसर आ गया। यही था विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से।